दोस्तों, अगर ऑटो क्षेत्र के इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ऑटो में एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, जब उसने की रेजिस्टेंस एरिया 10,000 के लेवल को तोड़ा और एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई बैंड को प्राइस हैज टेकन इट आउट। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था। तो आज हमने चुना है अशोक लीलैंड के शेयर की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और उसमें हम शामिल करेंगे अशोक लीलैंड की फंडामेंटल एनालिसिस, स्वॉट स्कोर को जानने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, और वहां पर अशोक लीलैंड शेयर की टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के द्वारा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें निवेश करने की कोई अपॉर्चुनिटी है या ट्रेड करने की कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर है दोस्तों तो क्या पॉसिबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, पहले अशोक लीलैंड शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस ब्रीफली करते हैं दोस्तों। तो अशोक लीलैंड शेयर की पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं दोस्तों। स्वॉट एनालिसिस का जो स्कोर है दोस्तों, वो है 53% कैटेगरी में ये पास होता है। इसका तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं ये बॉर्डर लाइन पे खड़ा है फंडामेंटल्स के आधार पर स्वॉट एनालिसिस में, जहाँ पर वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ्स भी है दोस्तों। तो अगर स्ट्रेंथ्स देखें तो फाइव पैरामीटर्स में स्ट्रेंथ्स हैं, लाइक ग्रोइंग इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन इन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। 11 पैरामीटर्स ऐसे हैं दोस्तों जहां पर इसमें वीकनेस है दोस्तों, खास करके आप पैरामीटर्स देखें, कंपनी इज ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ब्रोकर्स ने इसे अपग्रेड किया है दोस्तों, तो ये इसके लिए पॉजिटिव है। और थ्रेड्स में दोस्तों, जहां पर प्रमोटर्स ने अपने प्लस शेयर का परसेंटेज बढ़ा है, तो ये एक थ्रेट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अदर फंडामेंटल्स को ब्रीफली समझते हैं। तो दोस्तों, अशोक लीलैंड के शेयर ने पिछले 5 साल के दौरान अगर हम देखें तो सिर्फ 20.6% का रिटर्न दिया है, जो एक अच्छा रिटर्न नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर पिछले 1 साल के दौरान में देखें तो 185.6% रिटर्न दिया है। और इसीलिए दोस्तों, मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कब हमें मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, और उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस मदद करती है, जो आज हम देखेंगे प्राइस चार्ट पर चल के दोस्तों। यहाँ पर देखिए, क्वालिटी चेक्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रोथ स्कोर में परफॉर्मेंस इसका सेटिस्फैक्ट्री है। अगर यहाँ देखें दोस्तों तो ये एक ऑटोमोबाइल स्पेस से कंपनी आती है, जो ट्रक्स एंड बस के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। मिड कैप स्पेस की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप जो है वो है 36,092 करोड़, जो इसे रैंकिंग देता है 115th पोजीशन पर। एक मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक की जो वोलाटिलिटी है वो है 2.81 टाइम्स, अगर हम उसे निफ्टी 50 से कंपेयर करें, जो बेंचमार्क इंडेक्स है। अब दोस्तों, यहाँ की मैट्रिक्स में देखें तो पी इसका काफी ज्यादा है दोस्तों, 107.2, जो वैल्यूशन फ्रंट पे इसे हम नेगेटिव एस्पेक्ट में के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि सेक्टर का पी है 49.95। अगर पीबी रेशियो की बात करें तो इसका पीबी रेशियो है 4.06, सेक्टर का है 5.56, तो यहाँ तो ठीक नजर आ रहा है दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड्स को, तो पिछले ये सारे फिगर्स जो आप बार चार्ट में देख रहे हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स में, ये सारे 1,000 करोड़ में हैं। तो देखिए, रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली ग्रोथ था, लेकिन एक मासिव डिप देखा गया FY20 में दोस्तों, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ था लेकिन एक डिप देखा गया FY20 में। तो पैंडेमिक का असर कहीं ना कहीं इस पे भी आता हुआ नजर आया दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो इस स्टॉक के 5 साल के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल्स पिछले 5 साल में क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है,
अशोक लीलैंड का, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से बेहतर है, और नेट इनकम का भी ग्रोथ जो है पिछले 5 साल में इंडस्ट्री के नेट इनकम ग्रोथ से बेहतर है। मार्केट शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, 93.59% से मार्केट शेयर गिर गया है 67.41, तो ये इसके लिए नेगेटिव है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखें कि अशोक लीलैंड शेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अशोक लीलैंड अनाउंसेस रिलीफ मेजर्स फॉर पैंडेमिक हिट स्टेक होल्डर्स, निफ्टी ऑटो गेन्स बाय 3%। जो हमने शुरू में बोला कि जब निफ्टी ऑटो में 3% का गेन हुआ तो निफ्टी ऑटो के चार्ट में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हुआ, वो भी ब्रेकअवे गैप के साथ दोस्तों, तो उसे चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो अशोक लीलैंड, M&M, बजाज ऑटो आर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई और सिग्निफिकेंट न्यूज़ इसमें नज़र नहीं आती है। अब यहाँ पर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दोस्तों डिविडेंड में डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.41% आ रहा है, तो डिविडेंड तो इसने लगातार दिए हैं, लास्ट डिविडेंड दिया है मार्च 19, 2020 को, तो लेकिन यील्ड बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट पर, और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर अशोक लीलैंड शेयर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अशोक लीलैंड शेयर की टेक्निकल एनालिसिस के पहले एक नजर डाल लेते हैं सेक्टर के इंडेक्स पे, निफ्टी ऑटो पे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई बैंड था। ये अप ट्रेंडिंग मूव के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी और प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया मल्टीपल, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कल जब मार्केट में ट्रेडिंग हुई 18 मई 2021 को, तो यहाँ पर एक ब्रेकअवे गैप के साथ में ऑटो सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट ऑब्जर्व किया गया। ऑफ कोर्स आज प्राइस एक डोजी का फॉर्मेशन कर रही है, अब देखना है कि मार्केट जब क्लोज होगा तो किस तरह का फॉर्मेशन बनता है। थ्रोबैक जरूर हो सकता है दोस्तों, बट ये बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। हम ये एनालिसिस जो कर रहे हैं दोस्तों लाइव मार्केट में कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्ट्रेट वे अशोक लीलैंड के प्राइस चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों ये अशोक लीलैंड शेयर का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं दोस्तों। ये मासिव अप ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ पर इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया मई 2018 में दोस्तों, और वो था 167.5 का, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का बनता हुआ नजर आया, और उसके बाद यहाँ पर लोअर लो बनाने की प्रक्रिया में हॉल्ट हुआ, और यहाँ पर टिपिकल सुशी रोल पैटर्न्स का फॉर्मेशन हुआ जो एक इंडिकेशन था अक्यूमुलेशन फेज का दोस्तों। और इसके बाद अक्यूमुलेशन फेज से ये प्राइस बाहर आई अगस्त 2020 में, और उसके बाद मासिव अपसाइड मूव देखा गया। इसके अलावा आप सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मंथली चार्ट में क्या हो सकता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ध्यान से देखें तो प्राइस का यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था, रिजेक्शन था, जो बाद में जब इसका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों सितंबर 2017 में, उसके बाद में ये सपोर्ट के रूप में एक्ट करता रहा, और उसके बाद दोस्तों रीसेंट टाइम में आप देखिए ब्रेकआउट के बाद जो ये थ्रोबैक हुआ, तो प्राइस फिलहाल इस लेवल पे सपोर्ट लेके करंट मंथ की कैंडल जो है कहीं ना कहीं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्म कर रही है। ऑल्दो करंट मंथ की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बुल रन में नजर आ रहा है। सो 108 के पास में ये प्राइस पर इसने एक अच्छा बेस बना लिया है, जो कई मल्टीपल टच पॉइंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीकली चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अशोक लीलैंड शेयर के प्राइस के वीकली चार्ट में हम बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 108 क्यों इम्पॉर्टेंट लेवल अब इसमें बेस बन चुका है। प्राइस का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट बन गया, यहाँ सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट, और इसके बाद में जब थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने सपोर्ट लिया, मल्टीपल सपोर्ट हम इस लेवल पे देख सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल और बन जाता है क्योंकि हमें दूसरा एविडेंस भी मिल रहा है दोस्तों, और की कन्फ्लुएंस है।
ये प्रायर इम्पल्सिव वेव का जब हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो 61.8% कोइंसाइड कर रहा है इस इम्पॉर्टेंट 108 के वैल्यू से, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसके बाद करंट वीक में हम देख सकते हैं कि इस करेक्शन की समाप्ति तो यहाँ पर होती हुई नज़र आई, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं और करंट वीक की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन कर रही है, वो भी की सपोर्ट एरिया से दोस्तों, और साथ में कन्फ्लुएंस है EMA 21 का जो यहाँ पर कैसा एविडेंट है दोस्तों। तो अगर हम देखें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इस करेक्शन के बाद में अब अप ट्रेंड की शुरुआत होती हुई या अप ट्रेंड का रिजम्पशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। तो दोस्तों अगर गौर से देखें तो अशोक लीलैंड शेयर के डेली चार्ट में हमें निफ्टी ऑटो से बहुत सिमिलैरिटी नज़र आ रही है जो अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इस काउंटर ट्रेंड लाइन को, तो प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और जब भी दोस्तों प्राइस करेक्ट हो रही थी तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट मल्टीपल ले रही थी और लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन कैंडल में इंडिकेट करता है कि जैसे ही 108 पे प्राइस आ रही है इसमें एक बाइंग आती हुई नज़र आ रही है और ये ट्रेडिंग रेंज नैरो होता चला गया और फाइनली यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेक अवे गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ, जैसे निफ्टी ऑटो में हुआ था 18 मई 2021 को। मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया। तो दोस्तों अभी तो जो एनालिसिस कर रहे हैं आज यहाँ पर एक नैरो रेंज में ट्रेडिंग हो रही है और ये लाइव चार्ट है तो कहाँ पे क्लोजिंग होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये सारे कुछ इंडिकेशन देते हैं कि एक अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें नज़र आ सकती है। अगर हम इस ट्रायंगुलर पैटर्न को ही देखें तो ब्यूटीफुल बेस नज़र आ रहा है जो प्राइस को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। चलिए सपोर्टिंग इंडिकेटर पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। तो देखिए मोमेंटम बहुत अच्छा है, RSI 60 के ऊपर है दोस्तों और रीसेंट टाइम में 40 के नीचे नहीं गया है, जो एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्कअप फेज में जब कोई स्टॉक रहता है। अब यहाँ देखिए स्टोकास्टिक बुलिश क्रॉसओवर दर्शा रहा है, तो बुलिश है दोस्तों। तो ये सारे कुछ इंडिकेट करते हैं कि इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और यहाँ पर मल्टीपल बॉटम है जिसका एक माइनर सा रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल बॉटम्स का जो अपेक्स है वो करीब आता है दोस्तों 125.6 पर। अब प्राइस ट्रेड हो रही है 120 पर, तो क्या ये बहुत सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है? नहीं दोस्तों, जो प्राइस मार्कअप फेज में होती है और इस मल्टी ड्राइव करेक्शन को अगर ध्यान से देखें तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हो चुका है और अब देखें ट्रू सेंस में तो 112 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, विच कुड बी द स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर एंड इवन फॉर द स्विंग ट्रेडर फॉर टेकिंग अप द लॉन्ग ट्रेड दोस्तों। अब यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसा है कि कल की कैंडल का जो हाई है वो है 123.45, तो 123.6 पर हम एक बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं, वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा फॉल्स मार्केट सिचुएशन को या फॉल्स ब्रेकआउट को सेव का अब से अपने आप को सेफगार्ड करने में लार्ज एक्सटेंट तक सफल हो सकते हैं। अब दोस्तों इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या होगा? तो शॉर्ट टर्म में टारगेट के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस इम्पल्सिव वेव को आधार बनाते हैं और टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक डिसाइसिव इम्पल्सिव वेव थी, इसको आधार बना के टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए पिछली बार यहाँ पर 127.2% का टारगेट अचीव हुआ था, जहाँ उसे माइनर रेजिस्टेंस 134 पे मिलेगा, लेकिन फाइनली बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये 144 के लेवल पे रेस कर सकता है, जो काफ़ी बड़ा अपसाइड है क्योंकि प्रेजेंटली प्राइस ट्रेड हो रही है 122 पर दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम पोजिशनल आस्पेक्ट्स इसको देखने की कोशिश करें तो चलिए एक बार वीकली चार्ट में चलते हैं, वहाँ टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न का भी फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, तो टारगेट तो काफ़ी बड़े आने की संभावना है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट टर्म्स में हम टारगेट की बात करें
तो इस प्रायर इंपल्सिव वेव का फिबोनाची एक्सपेंशन अगर चेक करते हैं दोस्तों, तो ये 161.8% 150 के लेवल पे आता है, जो अशोक लेलैंड शेयर के लिए एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि ट्रेंड को राइड करना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर सकती है ट्रेंड को राइड करने में और अपकमिंग इम्पल्सिव वेव को इनकैश करने में और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में, ताकि हम रिस्क को भी मैनेज कर सकें और प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करने की दिशा में सोच सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें रहता है कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।